हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी परंट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज ई। यानी तो पोटेंशियल एनर्जी परंट मास जो होता है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। तो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे रखा है अर्थ के सरफेस पर। देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, चार चॉइस दे रखे हैं। तो देखो फिर सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं कि ये आपका अर्थ है ये अर्थ का मास है, तो ये अर्थ की रेडियस है और यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है सरफेस पर, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अर्थ के सरफेस पर? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं पहले। तो ये होगी आपकी माइनस का जी कैपिटल एम, ये कैपिटल यू मान लेता हूँ, और स्मॉल एम और इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन। तो ये देखो ये वाली सेपरेशन लिखो आप, कैपिटल आर होता है ये। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास निकालें बॉडी का, बोले ना मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो इस मास को इसके नीचे ले आए तो लिखेंगे माइनस का जी कैपिटल एम बाई आर। और इसको हमें बोला गया है कि ये ई है। तो जानते हो ये जो पोटेंशियल एनर्जी परंट जो मास होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी परंट मास, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बॉडी का, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है माइनस के जी एम बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी परंट मास होते ही ग्रेविटेशन पोटेंशियल है। चलिए उससे कोई मतलब नहीं। अब क्या करना है कि यहां से कितनी एस्केप वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, ये पूछ रहा है। एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करो, दैट मीन्स ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, कितनी बॉडी एस्केप वेलोसिटी होगी बॉडी उस ऑब्जेक्ट की। तो इस एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला में याद होता है अर्थ के सरफेस पर, वी ई इज इक्वल टू रूट के अंदर 2gm बाई कैपिटल आर, इतनी एस्केप वेलोसिटी होती है। तो इसी की वैल्यू हमसे पूछी। देखो यहां से अगर मैं इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में, माइनस साइन ये बताता है कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाउंड है, नेगेटिव साइन ये बताता है। तो नेगेटिव साइन ये बताता है, तो इसमें यहां से अगर मैं केवल gm बाई आर की वैल्यू लिखूं तो वो लिखूं कैपिटल ई। तो इस जी एम बाई आर की जगह पर आप कैपिटल ई ले सकते हो, तो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी रूट के अंदर 2e। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ए इज करेक्ट चॉइस। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।